मम्मी आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ व्रत में खाने वाला केक। अच्छा तो इसके लिए मैंने रागी का आटा लिया है, ठीक इसको है। नाचनी का आटा भी बोलते हैं। ये बहुत हल्का होता है, डाइजेस्टिव अच्छा करता है, ये ग्लूटेन फ्री होता है। ठीक है। 1 कप मैंने नाचनी का आटा या रागी का आटा लिया है, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा, 1/4 कप मैंने शुगर पाउडर लिया है और 1/4 कप ही मैंने बादाम पीस लिए हैं। ये ठीक पंद्रह है बीस बादाम थे जो कि पीस के 1/4 कप बन जाता है। ठीक है और आधा कप मैंने बटर लिया है, ठीक है। और ये क्या है? ये वनीला एसेंस है जो हम थोड़ा सा आधा चम्मच डालेंगे। 5-7 बादाम को मैंने चॉप कर लिया है हाफ हाफ, और 5-7 काजू को भी मैंने चॉप कर लिया जो गार्निश के काम आएंगे। दूध मैंने आधा कप लिया, जितना डलेगा हम उतना डालेंगे। रूम टेम्परेचर पे दूध है, मीठा सोडा है और बेकिंग पाउडर है, ठीक है ये दोनों डालेंगे इसमें। ठीक है। तो इसको मैं बनाऊंगी माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप ऐसे किसी खुले बर्तन को प्री हीट कर ले, 10 मिनट सिम पे गर्म कर ले ढक ठीक है। के, फिर उसके अंदर ऐसा कोई रख दे, अगर ये ऐसा भी नहीं है तो कटोरी रख के जिस बर्तन में भी बना रहे हैं आप वो रख दे और 30 मिनट के लिए सिम पे रख दे ढक के, तो ठीक है वैसा ही बनेगा केक ये। ठीक है तो मैं इसको बना रही हूँ कन्वेक्शन मोड पे, ठीक है। माइक्रोवेव में माइक्रोवेव में सेम ही टाइम लगता है। तो सबसे पहले अब आप क्या करोगे? तो सबसे पहले मैं लूंगी इसमें आटा डालूंगी रागी का, मिल्क पाउडर डाल देंगे हम, मिल्क पाउडर से थोड़ा सॉफ्ट बन जाता है केक। सिंघाड़े का आटा डाल दूंगी मैं, अब मैं डालूंगी 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। ठीक है ये देखिए ये डाल दिया मैंने, आधा चम्मच डालूंगी मैं बेकिंग पाउडर। ठीक है, वो पहले बेकिंग सोडा था। हाँ ये बेकिंग पाउडर आधा चम्मच। ठीक है। अब इनको मैं अच्छी तरह मिला लूंगी। अब सारी चीजें मिल गई, अब मैं इसमें डालूंगी बटर। ठीक है, ये कौन सा बटर है? ये जो अमूल वाला? अमूल का है सॉल्टेड बटर। वैसे अगर नॉर्मल बटर होता तो हम चुटकी नमक डालते। ठीक है, इसको भी अच्छे से मिक्स करना। हाँ अभी मैं चीनी डाल दूंगी, ठीक बहुत है आसान केक है ये। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं इसको एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाऊंगी। ठीक है, दूध थोड़ा थोड़ा करके डालें। हाँ एकदम ना डाले, लम्स नहीं बनने चाहिए। ठीक। और एक ही डायरेक्शन में घुमाए इसे। अच्छा, इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। हाँ इतने बैटर तैयार करते हैं तो हम माइक्रोवेव को प्री हीट कर देते हैं 180 डिग्री पे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम जो मैंने पीस रखे थे वो डाल देते हैं। ये रागी एलिमेंट केक है। दूध थोड़ा सा और डाल सकते हैं हम। अब मैं आधा चम्मच इसमें डालूंगी वनीला एसेंस, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, वैसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, वेनिला एसेंस और ये थोड़ा सा दूध ऐड करने के बाद फिर से हिलाना हाँ है। फिर से हिलाना है इसको, इसको अच्छी तरह हमने विस्क करना है। अभी हमारा बैटर तैयार है, बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे होनी चाहिए रिबन टाइप। ठीक है। माइक्रोवेव बाउल में मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा दी, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप ग्रीस कर लें वैसे भी चल जाएगा आराम से। ठीक है। अब मैं इस मटेरियल को इसमें डाल दूंगी बॉल में, ये माइक्रोशेप बॉल है जो कन्वेक्शन पे भी चल जाता है, अदरवाइज उसका चल जाता है, एल्युमिनियम का भी चलता है आराम से, आप पास नहीं हो तो फिर एल्युमिनियम का यूज़ कर सकते हैं मतलब बर्तन। हम एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ कर सकते हाँ हैं एल्युमिनियम का, कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन पे। हाँ ठीक है। अदरवाइज ये तो ग्लास का तो चलता ही है। चलता ही है बिल्कुल। अब हम इसको टैप कर लेंगे अच्छी तरह ताकि इसकी एयर निकल जाए, धीरे से टैप करें, क्रंच का है ये। अब मैं इस पे बादाम और काजू लगा दूंगी, काजू और बादाम मैंने गार्निश कर दी है। अब हमारा कन्वेक्शन मोड पे माइक्रोवेव भी रख हो रहा है तैयार 180 डिग्री पे, अगर जैसे ही वो प्री हीट होता है मैं इसको रख दूंगी माइक्रोवेव में।
तो हमारा माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका है, अब हम इसमें लोअर रैक का यूज़ करेंगे और उस लोअर रैक पे ही हम लोग अपना जो केक का मोल्डिंग है ये रखेंगे। ये देखिए हम इसको रख रहे हैं फॉर अबाउट 30 मिनट्स, 30 से 32 मिनट तक रखेंगे। ओके, 32 मिनट्स इसको हम रखेंगे। ये इसको हमने 32 मिनट्स के लिए रख दिया है और 32 मिनट्स के बाद हम अपना केक चेक करेंगे। 32 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा केक भी बन के रेडी है। देखिए बिल्कुल अच्छा बना है और फ्लफी बना है। थोड़ी देर में अभी से हम डिश आउट करेंगे। केक ठंडा हो गया हमारा हल्का, तो अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। अच्छा, इसको इस तरह से उल्टा करना होता है। ये देखिए कितना इजीली डिश आउट हो गया। देखिए कितना अच्छा फ्लफी केक बना है। अब इसको उल्टा कर देंगे। तो ये हमारा केक बनके तैयार है। काफ़ी फ्लफी और काफ़ी सॉफ्ट बना है। आप जैसे ही ठंडा हुए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और 2 या 3 दिन तक आप इसे प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, व्रत में आप इजीली खा सकते हैं। आपको ये पूरी रेसिपी कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताइए, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।